बस्ती के मुंडेरवा थाने के NH-28 के खजौला के पास भीषण सड़क हादसे में मुख्यमंत्री के गोरखपुर कैंप कार्यालय के जन सामान्य निवारण अधिकारी मोतीलाल सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। वही हादसे में पत्नी और ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मोतीलाल सिंह अपनी पत्नी और ड्राइवर के साथ स्कॉर्पियो से गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे, तभी मुंडेरवा थाने के खजौला के पास अचानक हाईवे पर नील गाय आ गई। नील गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार जन सामान्य निवारण अधिकारी मोतीलाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। पूरे मामले पर ASP दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि रात 12:15 पर गश्त कर रही गाड़ी को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिस पर तत्काल खजैला चौकी के इंचार्ज और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल बस्ती पहुंचाया गया। इसी दौरान पता चला कि OSG मोतीलाल की मृत्यु हो गई। वहीं उनकी पत्नी को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया और चालक की हालत ठीक है। रात्रि में करीब 12:15 जब नेशनल हाईवे के पेट्रोल कार गश्त कर रही थी तो उसको सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी पेड़ से टकरा करके एक्सीडेंटल हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इस NS के कर्मियों ने पुलिस चौकी खजौला को सूचना दी और लगभग 12:18 पे हमारे चौकी के उपनिरीक्षक और आरक्षी सभी मौके पहुँचे और तत्काल एम्बुलेंस को बुलवा कर करके जो भी इंजर्ड थे उनको उस पर रख करके उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया। जिला अस्पताल से उनको प्राथमिक चिकित्सा देने के पश्चात उनको गोरखपुर गोरखनाथ हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां पर OSD मोतीलाल सिंह की मृत्यु हो गई है और उनकी पत्नी वीरा सिंह, जिनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, वो ठीक है और जो चालक था संतोष गुप्ता वो भी ठीक है। वहीं OSG मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत होने पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। CM योगी के कार्यालय के किए गए ट्वीट में बताया गया, CM योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखपुर के मोतीलाल सिंह के सड़क दुर्घटना में दुखद निधन पर शोक प्रकट किया है। महाराज दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। ओम शांति। बता दें कि इससे पहले गुजरात में तिरंगा रैली के दौरान भी एक दुर्घटना हुई थी, तब गाय से टक्कर में पूर्व CM नितिन पटेल घायल हो गए थे, जिसके बाद पूर्व CM के घुटनों में चोट आ गई थी। बता दें कि आवारा पशुओं को लेकर अभी UP में भी योगी सरकार काम कर रही है। ये मुद्दा विधानसभा के चुनाव के दौरान भी उठा था। पंजाब केसरी TV के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।